अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूँ बाइक लॉट के बीके की तरफ से। मैं हूँ उसाम अहमद, आपका होस्ट। और आज का जो हम स्पेशल ब्लॉग बना रहे हैं वो है कि हम एबटाबाद से मानसेरा जा रहे हैं हसनैन रिजॉर्ट। तो मेरे जो मानसेरा के दोस्त हैं उनका कहना है कि मानसेरा में पता नहीं कौन सा ऐसी ऊरपरियाँ और कौन सा ऐसा माहौल है जो इस्लामाबाद से बिल्कुल मैच करता है। तो हम वो आज देखने जाएंगे, देखेंगे कि मानसेरा में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने नहीं देखी, ऐसा कौन सा वहाँ माहौल है और रिजॉर्ट कैसा है, ये सारा कुछ देखेंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा, देखते हैं। अभी मेरा दोस्त आने वाला है, उसके साथ मैं निकलूंगा और रास्ते में जो कुछ भी होगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो बॉयज़ शुरू करते हैं अपना सफ़र। मैं दोस्त का ही वेट कर रहा था पर उसने अभी बोला है कि मिसाइल चौक में मिलते हैं। अभी मैं PMA बाईपास पे खड़ा हूँ तो मैं जाता हूँ उसी की तरफ ही पहुँचता हूँ। आगे के साथ साथ आपको अपडेट देते हैं। साथ साथ पब्लिक रिएक्शन आपको दिखाऊंगा। सर्दी आज काफी ज्यादा है, मैं जरा सा बाइक तेज चलाता हूँ तो मैं बीमार भी हूँ। मैं तो काम रहा हूँ अभी से ही। हेलो रास्ता देखो, एज डिस्कस्ड मैं मिसाइल चौक पे तो पहुंच ही गया हूँ। अभी पता नहीं दोस्त किधर रह गए, उसे कॉल मिलाते हैं, देखते हैं कितनी टाइम तक वो आता है, इससे पहले कि बारिश ना लग जाए। तो ये दोस्तों, ये मेरे नजीज भाई लेजेंड, इनको मैंने मिसाइल चौक का बोला था। ये अभी ये किधर शहीन फार्मेसी के बाहर पहुँचे हुए हैं। तो टाइम ऑलरेडी हमारा काफ़ी लेट हो गया। हम लोग ये नेशनल बैंक के पास खड़े हैं, ये अपने ओडासी BR 600 पे आए हुए हैं। मैं अपनी ये CD 70 लेके जा रहा हूँ। हम लोग मानसेरा जा रहे हैं सलाद में, बारिश भी आई हुई है ऊपर, तो देखते हैं अब आज का क्या सफ़र होगा, क्या शुगल होगा। चले नफीस भाई, चलो स्पीड। नफीस भाई किसी भी आगे तो मैं पहुँच नहीं सकूँगा, तो कोशिश करूँगा उनके साथ साथ रहने की। आप लोगों ने स्माइल तो देख ली होगी आई थिंक। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो अहमदाबाद में है। यार एक तो रोड के इलाज यहाँ पे नहीं है, बाइक चलाना इतना मुश्किल है यहाँ पे। ये नवी बाइक रोड जो यहाँ पे सीधा हो, मतलब स्कूल से बाइक राइड एंजॉय कर सके, ब्लॉगिंग कर सके, पर नहीं। मेरे उस्ताद जी पता नहीं कहाँ पे रह गए हैं, ज्यादा स्पीड भी नहीं मारनी। उस्ताद जी पीछे कहीं रह गए तो मसला होगा, फिर उस्ताद जी का भी ख्याल रखना है ना। हमारी मुर्शिद 70 70, एक बात बहुत अच्छी है कि चलो मुश्किल वक्त में हमेशा वही काम आती है। जहाँ पे हैवी बाइक भी आपका साथ छोड़ देगी, 70 आपके काम आएगी। इसलिए हमने स्पेयर 70 हर टाइम साथ एक रेडी रखी होती है। चलो यार मुश्किल वक्त में सारा ही आ जाए।
भाइयों ये हम आप काफ़ी आगे तक पहुंच गए हैं, तकरीबन अब्दाबाद मंसेरा इंटरचेंज क्रॉस कर दी है, ये जो टोल प्लाजा आता है। मैं इसलिए भी दोबारा कंटिन्यू किया वीडियो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको हाजमे का मसला है, कोई गुर्दे की पथरी है, तो आप ये मंसेरा के इस रोड पर ना बाइक चला के आप अपने सारे मसले हल कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा होंडा CBR बेचारा इस रोड पे क्या करता है। अगर किसी ने भी जिंदगी का मजा लेना हो ना, वो इस रोड पे आ जाए। ये पूरा रोड ऐसा ही है, इन्होंने कब से खोद के रखा हुआ है ताकि जो भी एबटाबाद से मंसेरा बंदा आए वो मंसेरियों को भी दुआएं दे, मंसेरा की शान भी बढ़ जाए। रास्ता इसी तरह ही है, काफ़ी सारा रास्ता मैं कवर कर रहा हूँ, उसमें मैंने ब्लॉगिंग ऑन नहीं की क्योंकि वो बंद ही थी, लेकिन अब मैंने कहा थोड़ा सा दिखाऊँ। ये भी थोड़ा सा रास्ता ठीक आया है, तो देखते हैं कहाँ तक ये भी ठीक है। डस्ट काफ़ी है तो मैंने वाइपर बंद कर दिया, शायद आपको भी आवाज़ भी क्लियर ना आए, लेकिन ये कि रोड के लाल बस आप देखते जाए। और ये भी देखते हैं कि होंडा CBR का सस्पेंशन टेस्ट आज कर रहे हैं। आज मैं होंडा CBR पे ऑफ रोडिंग भी सीख रहा हूँ ताकि मुझे ये लॉन्ग ट्रिप्स में काम आए। ये लाल है जी, ये मेरे दिल पे जो गुजर रही है ना, वो इस वक्त सिर्फ बाइकर्स ही जान सकते हैं इधर क्या तासुरात है, क्या हालात है। कमर में दर्द हो गया, बाजू में दर्द शुरू हो गया, मुझे सारा मेरा जो बॉडी का वेट है वो मेरे बाजू में पड़ा हुआ है। और माशाल्लाह से ये रोड ऐसी है कि मुझे बाइक केस लड़ नहीं हो रही कि मैं अपना वेट सही कर सकूं। ट्रैफिक की कमी थी वो भी पूरी हो गई है, वो तो मंसेरा की खास पहचान है ट्रैफिक। अच्छा ये आगे पहुँचाऊंगा, यहाँ से निकलने मुझे पूरा दिन लग जाने। मत पूछ मशेर मेरे रात इतना हो गया रहता हूँ। बड़ा काम खराब है जी, ताकि जरा जरा देखो कैसे नहीं पहुँचना। अगर किसी ने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देखी है तो मुझे वो सीन सामने नजर आ रहे हैं। सही से हजम हो गया है नाजरीन, गुड न्यूज है। आप लोग हो गया झटकी खा खा के, इतने झटके नहीं दिए जितना ये मंसेरा के रोड में दिए। और लोगों की शादी है ये मंसेरा की काम को मंसेरा से, क्योंकि ब्लॉगिंग ठीक से नहीं दे रही, रास्ते
पता नहीं क्या है। भाई मनसेरा बाईपास वाला कड़ा रोड है, मेहरबानी। मनसेरा बाईपास का रोड आ गया, थोड़ा सा किसून ओवर करने से थोड़ा बच गया। थोड़ा सा रोड मिला है शुक्र है, वरना तो मेरे आज है ना किस्म का बुरा हाल हो गया। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है यार, स्पीड बाइक्स को लाना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है, चाहे उसकी क्या सुपर बाइक्स बेहतर होती है शहरों में जाए। मनसेरा एंटर हो गया, अब आपको यहाँ पे दुनिया जान की मैरान ही नजर आएगी। यहाँ के लोगों की पसंदीदा गाड़ी है मैरान, हमारी ये देखे मैरान 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 टैक्सी मैरान घर की गाड़ी मैरान, किसी किस्म की मैरान लेनी हो आपको मनसेरा में मिलेगी। नई हो पुरानी हो मैरान मैरान ये एक आध बीच में होंडा से वगैरह नजर आएगी आपको। ये बेचारे कोई घूमने फिरने वाले या कोई बाहर के लोग होंगे तो होंगे, बाकी ये हमारा मनसेरा है जी। देखें मैरान 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 ये हमारा खास बाईपास है यहाँ पे जी, फोटो शूट हो रहा है मैरान के साथ और पब्लिकेशन भी आ रहा है। ये मनसेरा का बाईपास मैरान 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 जबरदस्त जबरदस्त मैरान मैरान फॉर लाइफ, हमारे जो था मैरान ही किसान। अब आप सिर्फ वीडियो में मैरान काउंट करते जाएं, आपको भी मज़ा आएगा मुझे भी मज़ा आएगा। आपकी इतनी सेट नहीं है मैरान को यहाँ की शाही सवारी है मैरान, किसी की शादी भी हो तो दूसरे की मैरान भी होती है। ये मानसेरा शहर का पूरा व्यू आ गया है, पर रोड जो है ना रोड अगर व्यू इंजॉय करना ही नहीं देता इंजॉय करें। आप मनसेरा आ गए हूँ वो आगे भी मनसेरा में खड़ी है, वाह कार हो गया
अच्छा जी, मैं पहुंच जाया हूँ जी सुनैन रिजॉर्ट के पास ही। हम लोगों ने जाना सुनैन रिजॉर्ट था, पर मुझे अब यह है कि मुझे रास्ता भूल गया। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मेरे से आगे से ही जहाँ तक मेरा ख्याल, आई थिंक चलो ना भी हुआ तो मिलेंगे। मेरा नब मंसेरा की शान देखें जी, दूर दूर तक आपको मेरान नजर आएगी। मेरान 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 मेरान, मेरी शान मेरी जान। जरा पुरसकून एरिया में अपने चैन से अपना सफर इंजॉय करो। मेरान मेरान मेरान, वर्कशॉप पे मेरान, रोड पे मेरान, घर पे मेरान, बाहर मेरान, मेरान जिंदाबाद। बहुत मजे का कारना था यार। राम राम ये बुढ़ो जिए मेरान, सिंध में बुढ़ो हमेशा जिंदा है और मथेरा में जो है ना मेरान हमेशा जिंदा है। तो चलो जी स्नैन रिजॉर्ट पहुँच के आए हैं। ये सामने स्नैन रिजॉर्ट जी हमारी एंट्रेंस है और ये ऑफ रोडिंग वाली पहाड़ी है जिस तरह गाड़ी खड़ी है जी। हमारा दोस्त है और ये हमारे असनाथ भाई, असनाथ भाई सोए हुए उठ के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम असनाथ भाई, क्या हाल है जी? ठीक है आप, खैरियत है? मैं पूरे रास्ते से मंसेरा के लोगों को दुआ देता आया हूँ। रोड के हालात देखे हैं मैंने, मैंने कहा ये तो इस्लामाबाद से भी बेहतर जगह है यार। आप लोग क्या जबरदस्त जगह पे रहते हो। रोड तो यार हमारा मोटर है जैसे, ये बाइक मैंने धोया था। तो ये देखे जी, ये हमारा स्नैन रिजॉर्ट। फाइनली हम पहुंच आए हैं, व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। जरा मैं रेस्ट कर लूं अब। अच्छा जी, पहुंच आए हैं हम स्नैन रिजॉर्ट पे और ये मेरे जिगर्स नफीस भाई, वो पीछे फोटोशूट चल रहा है मेरे बाइक का। असनाथ बना रहा है वीडियोस, कुछ वीडियोस बड़ी मज़े की हमने प्लान की हुई हैं, वो भी आपको दिखाएँगे। तो साथ फ़ोटोशूट भी होता रहेगा, शुगर मेला आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। ये स्नैन रिजॉर्ट बड़ी खूबसूरत जगह है, मानसेरा के स्टार्ट में ही आ जाती है, बाईपास से आप उतरो तो। किसी को इसकी लोकेशन चाहिए हुई तो मुझसे पूछ सकता है। ये मेरा CBR खड़ा है जी। आज का तो शूट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। हम लोग थोड़ा शाम का इंतज़ार करते हैं, अभी तो खाना शाना खाएंगे, शाम का सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ी लाइटिंग वगैरह एडजस्ट हो जाए, फिर मज़ा आएगा। तो ये लग्जरी VIP किस्म के बेडरूम है और ये बैल्कनी आ गई। बैल्कनी का आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये नीचे खूबसूरत मानसेरा, मानसेरा और उसकी पहाड़ियाँ, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है और सुकून वाली जगह है। मौसम भी आज ज़बरदस्त हो गया है, व्लॉगिंग भी ज़बरदस्त हो गई है। और अब हम रिजॉर्ट के अंदर वाले एरिया में आ गए हैं। ये सारे रूम्स हैं मुख्तलिफ और इस तरफ अभी ये रेस्टोरेंट ओपन होगा जो फैमिलीज के लिए और वैसे भी घूमने फिरने वाली आवाम के लिए ज़रा तफरी हो जाएगी। नफीस भाई ये क्या सीन है, आप पूरे अपने पास मंडी का सामान ले आए हो मंसेरा से? घर पे गरीब खानदान के बच्चे पालने हैं ना, फैमिली है, दाड़ीदार मजदूर। ओहो जबरदस्त जी, शहजादी आपकी होंडा CBR 600 पे इतना सामान दे के मेरा बहुत दिल खफा हो रहा है। खाने की ब्रेक है अभी, हम यहाँ पे बैठक रेस्टोरेंट है ऐसा काफी नाम सुना है यहाँ पे। अब हम मंसेरे का खाना टेस्ट करने आए हैं तो देखते हैं उसके क्या रिव्यूज आते हैं। बैठक रेस्टोरेंट का इंटीरियर काफी खूबसूरत बना हुआ है। हम लोग टॉप फ्लोर पे हैं।
सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, फैमिली के लिए अलग अरेंजमेंट्स हैं, रूम्स हैं। देखते हैं इनका खाना कैसा होगा। अब स्नैन रिजॉर्ट पे हमारी शाम हो गई है, वीडियोग्राफी वगैरह हमने की है अच्छी खासी, तो अभी यहाँ पे हमारे फैंस आने शुरू हो गए हैं, वो पीछे शोकल मेरा लगा हुआ है वो आप देख सकते हो। तो बारी बारी सबको खिदमत खाल का मौका मिल गया हमें भी, अब वेट करो कि ये भाई लोग अपनी फ़ोटो वगैरह बनाएं, वीडियोस बनाएं, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे अपने घर को वापस निकलें, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, ठंड भी है, तो मनसेरा के रोडों पे बाइक चलाना बहुत मुश्किल काम है, तो आगे भी आपको अपडेट करता हूँ मैं। तो अब तो रात का टाइम होने लगा है और इसके बाद व्लॉगिंग का ये वीडियो का तो फ़ायदा नहीं है, तो मैंने कहा चलो व्लॉग यहीं पर एंड कर देता हूँ, अभी हम वापस अब्टाबाद निकलने लगे हैं, मगरब तो हो ही गई है, इशा होने वाली है, तो हम लोगों ने अभी पैकअप किया, तो चलते हैं फिर एक बार आपको फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। वापसी में चाह रहा था कि मनसेरे के थोड़े से और भी जिक्र करूं, पर आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको गुर्दे की पथरी है, कोई बीमारी है, कोई हाजमे का मसला है, आप आज मोला या डॉक्टर की दवाइयों पर आप लोग खर्चा ना करें, आप सिर्फ अब्टाबाद से मनसेरा एक बार हैवी बाइक्स पर यह सरकी राइड करें, आपके मसले खुद ही सारे ठीक हो जाएंगे। तो ये हमारे स्नात भाई यहाँ पे घूम रहे हैं, ये सही खत्म कर रहे हैं खाना इन्हीं रास्तों पे, ये यहीं के रहने वाले हैं। तो चले फिर व्लॉग देखते रहिएगा, फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।